हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड एट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स ऑफ 3 × 1/3 वाई और वाई नॉट। तो 0.3 इज इक्वल टू वी कैन राइट 3/10 और सेकंड वन 3 × 1/3 तो 3 × 9 इसको मिक्स में दिया है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 3 + 1/3 तो 9 + 1/3 मतलब 10/3 हो जाएगा। अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। देयरफॉर 3/10 मल्टीप्लाई 10/3 दैट इज 3/10 क्या दिया है 0.3 है, 0.3 और 10/3 किसका लिखा मैं 3 × 1/3 तो ये कट करेंगे अब 3 कट हो जाएगा 10 कट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1। दो नंबर को मल्टीप्लाई किया आंसर 1 आया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देयरफॉर 0.3 एंड 3 × 1/3 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। बराबर, तो 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3। देन क्वेश्चन 10, तो क्वेश्चन 10 में फर्स्ट कर रहे हैं इसका इक्वेशन आप लोगों को खुद लिखना है, क्वेश्चन लिखना है और आंसर लिखना है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, तो ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल है नहीं तो 0, फर्स्ट का आंसर आएगा 0। सेकंड में क्या है, रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल और नंबर दोनों इक्वल हो तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो 0 का नेगेटिव क्या होगा, अरे का नेगेटिव में हम आगे माइनस लगाते हैं, जैसे 1 है तो -1 लिखते हैं, 1 + -1 0 होता है, तो 0 का -0 ऐसा हम नहीं लिख सकते। बराबर, तो 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, -0 नहीं होता। देन क्वेश्चन नंबर 11, इसके क्वेश्चन आप लोगों को खुद लिखने हैं, ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी लिखने ही आप लोगों को। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है, नहीं होता, तो नो रेसिप्रोकल। देन सेकंड में क्या है, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देन देयर ओन रेसिप्रोकल्स, ये हमने लिखा ही, नंबर और उसका रेसिप्रोकल सेम इसमें है, 1 और -1 में, 1 और -1 का रेसिप्रोकल खुद ही होते हैं, 1 का रेसिप्रोकल 1 -1 का रेसिप्रोकल -1। देन रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल -1/5, क्योंकि -5 और -1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, -+ हो जाएगा और 5/5 कट हो जाएगी, -+ 5/5 कट, आंसर 1, तो -5 का रेसिप्रोकल -1/5। देन रेसिप्रोकल ऑफ 1/x तो क्या आएगा, x, 1/x का रेसिप्रोकल x, क्योंकि 1/x इनटू x करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा हमें, तो रेशनल आएगा, आंसर इज रेशनल। आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखने हैं। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ओके, तो आप लोगों को ये लिख देना है और वीडियो देखने के बाद गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करना है तो जितने वीडियो देख रहे हैं वो पता चले। ओके, तो ये लिख देना।